स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग बैंक ऑडिट। एक बैंक ऑडिट कंडक्ट करने के 5 स्टेज होते हैं। पहला है इनिशियल कंसिडरेशन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, चौथा है एग्जीक्यूशन और पांचवा है रिपोर्टिंग। हम अब एक एक करके इन पांचों स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे। पहला स्टेज इनिशियल कंसिडरेशन। तो कोई भी बैंक ऑडिटर सब करने से पहले जो स्टेटटरी ऑडिटर है बैंक का, उसको अपने जो उस जो प्रीवियस ऑडिटर था उसके साथ कम्युनिकेट कर लेना चाहिए ताकि उसको पीछे का बैकग्राउंड पता चल जाए। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, जो स्टेटटरी ऑडिटर है वो अपने इंडेटनेस की डिक्लेरेशन देगा कि मैंने इस बॉडी से कोई कर्जा नहीं ले रखा है, यानी मेरे अंदर किसी तरीके की बायसनेस नहीं है। फिर जो स्टेटटरी ऑडिटर है उसने किसी भी तरीके का बैंक का कोई भी इंटरनल असाइनमेंट नहीं किया हुआ होना चाहिए, इंटरनल असाइनमेंट जैसे कि स्टॉक ऑडिट वगैरह। और स्टेटटरी ऑडिटर जो है उसको ऑडिट इंगेजमेंट की जो टर्म्स है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी इंगेजमेंट टीम एस्टेब्लिश करनी चाहिए। यानी अब हम उसको याद करने का तरीका क्या होगा कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस करने से पहले जो स्टेटटरी ऑडिटर होता है वो प्रीवियस ऑडिटर के पास जाता है, उससे कम्युनिकेट करता है और उससे आईडीटी के बारे में पूछता है। आई मतलब इंटरनल असाइनमेंट्स, डी मतलब डिक्लेरेशन कि भैया तेरे पे इतना क्या कर्जा हो गया था जो तू ऐसा गलत काम करके बैठ गया है, और टी मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हमें बैंक को यानी जो स्टेटटरी और जो ऑडिटर है उसको बैंक को और उसके एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। बैंक को कैसे समझना चाहिए कि ये किस तरीके का बैंक है, क्या ये कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, क्या ये कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, या ये नॉर्मल पब्लिक डिपॉजिट वाला बैंक है, और उसके एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। एनवायरनमेंट में क्या कैसे देखना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा है, उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है, इन बातों को समझना चाहिए। अब हम साथ साथ ये भी देख लेते हैं, जब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात आई है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की आखिर ज़रूरत पड़ती ही क्यों है बैंक में, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि ओवरसाइट बाई TCWG, मतलब TCWG को रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को ही अप्रूव करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बैंक की जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है वो बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अप्रूव करने से पहले ही जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो बैंक के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट हो, और रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को ही अप्रूव करना चाहिए। फिर है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया, कि वो रिस्क जो कि बैंक के गोल अचीवमेंट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया के अगेंस्ट आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करना चाहिए। फिर आती है कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो बैंक के पास अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अप्रोप्रिएट कंट्रोल होने चाहिए, जैसे कि ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लिमिट सेट, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन। वैसे कंट्रोल एक्टिविटीज़ को याद करने का एक तरीका मैंने बना रखा है कि ऑथराइजेशन की ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन और ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करने की ड्यूटीज़ को हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, ताकि एक्सेप्शंस की रिपोर्टिंग हमें मिल सके। नहीं तो अगर ये दोनों बंदे सेम होंगे तो फिर एक्सेप्शन की रिपोर्टिंग आएगी नहीं हमारे पास, कोई किसी की कंप्लेन ही नहीं करेगा क्योंकि सब तो एक ही बंदे हो जाएंगे। फिर आता है फोर्थ में एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। जिस रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स मेथडोलॉजीज नहीं जिन जिन रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स मेथडोलॉजीज अजम्पशंस का यूज़ किया जाता है रिस्क को मेजर और मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलर एसेस एंड अपडेट करते रहना चाहिए। ये चीज़ है, दोबारा बोलता हूँ, जिन रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स मेथडोलॉजीज अजम्पशंस का यूज़ किया जाता है रिस्क को मेजर और मैनेज करने के लिए, उनको रेगुलर असेस और अपडेट करते रहना चाहिए। फिर आता है रिलायबल इंफॉर्मेशन मतलब रिपोर्टिंग। फिफ्थ इसका पांचवा रीज़न क्या है, रिपोर्टिंग, या यूं कह लो प्रोसेस क्या है रिपोर्टिंग। ये देखो ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है एक्चुअल में, एक तरीके की है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो TCWG वो बिजनेस मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होता है उनको अप्रूव करता है,
उसके बाद जो भी रिस्क विस्क होते हैं उनको ये प्री अप्रूव्ड क्राइटेरिया लिमिट के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेज़र करते हैं और मॉनिटर करते हैं। फिर लोग कंट्रोल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं कि जो भी आरएम, जो मॉडल मेथडोलॉजी में जो भी ये यूज़ कर रहे हैं, इसको मेज़र रिस्क को मैनेज मेज़र और मैनेज करने के लिए उन उन मेथडोलॉजीज़ और एजम्पशंस और मेथड्स को ये लोग ये मॉनिटर करते हैं। फिर आती है सबसे आखिर में रिपोर्टिंग, कि बैंक को एक ऐसा रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो कि बैंक को फाइनेंशियल ऑपरेशन और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रोवाइड किया करे, ताकि जो बैंक का जो TCWG है वो रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सके, उसको अच्छे से असेस कर सके। तो ये जितने भी रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसको याद करने के लिए हमने एक स्टोरी बना रखी है कि आइडेंटिफाई करना कि CM कौन है, आइडेंटिफाई करना कि CM कौन है, इसके लिए रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन तो TCWG से ही मिल सकती है, तो TCWG को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई से आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया। CM से तो C से कंट्रोल एक्टिविटीज़, M से मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, रिलायबल इन्फॉर्मेशन से रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि रिपोर्टिंग के अंडर आती है, फिर TCWG इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG मतलब ओवरसाइट बाय TCWG। तो हमने ये पांच प्रोसेस देखे, पांच स्टेप्स देखे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब हम आगे पढ़ते हैं रिस्क असेसमेंट की तरफ। तो रिस्क असेसमेंट में ये देखो चार चीज़ें हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हर्षद मेहता ने जो फ्रॉड किया था वो फ्रॉड बहुत ही ऑसम फ्रॉड था। तो ऑसम फ्रॉड, तो ओ से आउटसोर्सिंग, तो रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग। एस से स्पेसिफिक रिस्क, एम से मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला रिस्क यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर फ्रॉड, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो रिस्क असेसमेंट में हम ये चारों चीज़ें से रिलेटेड जो रिस्क है वो कंसिडर करते हैं कि क्या कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कि क्या कोई स्पेशल रिस्क है, क्या कोई ऐसा रिस्क है जो कि आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है, या कोई क्या कोई ऐसा रिस्क है जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है। एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं किताब में उसको याद करने के हमने एक तरीका बना रखा है कि ऑडिट एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है कि हम लोग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे? ओ ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करेंगे, नहीं तो अगर हम ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाए तो गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। दोबारा से देखते हैं कि ऑडिट प्लानिंग ऑडिट इंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है कि हम लोग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करेंगे। अगर हम मान लो डिज़ाइन नहीं कर पाए ओवरऑल ऑडिट ऑडिट स्ट्रेटजी को एज पर ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि हम ऑडिट मटेरियलिटी को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं करवा। नहीं, ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं करवाना दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाने के कारण हम गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। दिक्कत यहाँ पे आती है। तो दोबारा देखते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करती है कि हम लोग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करेंगे। अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटजी को ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं कर पाए तो हम लोग ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और होगा ये कि अल्टीमेटली हम लोग गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ऑडिट एंगेजमेंट टीम डिस्कशन क्या करती है कि हम ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग ही ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम लोग ऑडिट मटेरियलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेटली हम गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। अब आता है पांचवा, तो जो फिफ्थ स्टेज होता है बैंक ऑडिट को कंडक्ट करने का, तो वो होता है रिपोर्टिंग। सबसे आखिर में रिपोर्टिंग होती है ना। तो देखो, यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस था उसके भी पांच स्टेज थे, और पांच स्टेज में क्या थी, रिपोर्टिंग थे, और चौथे में एग्जीक्यूशन, और ये जो
बैंक ऑडिट का जो कंडक्ट है उसमें भी 5 स्टेट है, जिसमें कि 4th में एग्जीक्यूशन है, 5वें में रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और एक है LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा पॉइंट है रिपोर्ट एनी अदर मैटर टू बैंक रेगुलेटरी रेगुलेटर और गवर्नमेंट। तो इसको किस तरीके से तीनों पॉइंट्स को याद रखा जाएगा कि आखिर में क्या होता है, जब रिपोर्टिंग करते समय जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है किसको देता है? बैंक को या रेगुलेटर या गवर्नमेंट, जिसने भी उसे अपॉइंट किया है। और उसके ऊपर, उस रिपोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है कि इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखी रहती है उसके ऊपर सबसे ऊपर।